मैं ये क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ कि लाइक हम राइट नाउ इन यूथ कि हम अपना हेल्थ इश्यूज़ भी फेस कर रहे हैं, हम अपने करियर के लिए, कूल बनने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, बहुत सारे इश्यूज़ को हम फेस करते हैं, ठीक है. प्लस कुछ ऐसी अपनी फैमिली से दूर हैं, कुछ के पेरेंट्स उनको जाते राइट नाउ दे नीड देम बट दे स्टिल फार फ्रॉम देम. तो ये फियर ऑफ मिसिंग ऑन दिस थिंग कि कैसे रिलेट कर सकते हैं कि हमें नहीं पता व्हेन इज़ आवर लास्ट डे या फिर हमारे पेरेंट्स का कब लास्ट डे है. सो ये जो फियर होता है हमारे अंदर कि गिल्ट भी रहेगा, एक रेस भी है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बनाना है, करियर भी बनाना है, फैमिली भी देखनी है, अटैचमेंट्स हैं, तो उस सबसे कैसे ओवरकम करें जो माइंड में दो दो एक वॉर चलते रहते. जैसे ही कोई हमारे पास में नहीं होता है तब ये थॉट्स आने लग जाते हैं माइंड में. जब उनके साथ होते हो तो क्या थॉट्स आते हैं? जब होते हो जहां से भी आप आए हो, मान लो कहीं किसी सिटी से आप यहां पे दिल्ली में आए हो, आई एम श्योर तभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, राइट? यस यस. तो जब वहां पर थे तब क्या थॉट्स आते थे? निकलूं यहां से. सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो वहां से तो निकल लिए, अब यहां आ गए, अब क्या थॉट्स आ रहे हैं? वहां चला गया. ये माइंड की प्रॉब्लम है. माइंड हमेशा ऐसे ही काम करता है. सिर्फ आपका माइंड नहीं, मेरा माइंड नहीं, माइंड सबका माइंड ऐसे ही काम करता है. मतलब जो चीज हमारे पास में होती है, चाहे वो चीज हो चाहे इंसान हो, वो एक तरह से ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है हमारे लिए. ब्लाइंड स्पॉट बेसिकली एक टर्म होता है एडवर्टाइजिंग में, विच आई एम नॉट श्योर आप में से कितनों ने सुना होगा. सुना है? कितनों ने सुना है? अबे तेरे किसी ने नहीं सुना, मतलब यहां पे ज्ञानी मैं ही हूं अकेला. मतलब क्या होता है कि जिस चीज को हम देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आप कोई चीज लेकर के आए बड़े शौक से, तो कुछ दिन तक तो उस पर नजर पड़ती है, उसके बाद में क्या होता है? वो ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है. यानी वो होकर के भी नहीं होता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है. सो अब यहां पे जो चीज समझने वाली है वो क्या है? जब कुछ हमारे पास में होता है, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी ने अपना कॉलेज चेंज किया, तो जब तक उस कॉलेज में थे रो रहे थे कितना घटिया कॉलेज है, ये है, वो है. जैसे किसी दूसरे कॉलेज में गए, क्या हुआ? उसके माइनस पॉइंट दिखने लग गए और पुराने वाले के सारे प्लस पॉइंट याद आने लग गए कि अरे इससे बढ़िया तो वही था. जॉब में भी ऐसे होता है. हाँ, अब रिलेट किया लोगों ने, ये यार ये तो हमने देखा है, ये तो ऐसा तो होता है. जब तक होते हैं एक जॉब में, ये तो बेकार है, सब बेकार है, घटिया है, ये है वो है, लोग भी निकम्मे हैं, ये है कंपनी बेकार है. जैसे ही वहां से चले जाते हैं क्या होता है? किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं, हमें समझ आता है लोग सिर्फ वहां पे निकम्मे नहीं थे, यहां पे भी निकम्मे हैं. प्रॉब्लम सिर्फ वहां पर नहीं थी, यहां पर भी है. तो हमारा पूरा ध्यान वहां की प्रॉब्लम्स पे आ जाता है और पुराना जो भी हमारी लाइफ में था प्लस पॉइंट वहां पे चला जाता है. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के केस में भी ऐसे ही होता है. जब तक साथ में होते हैं लड़ाई झगड़ा, उसकी कमियां दिख रही होती है सुबह से रात तक, जैसे ही वो किसी और के साथ चली जाती है क्या होता है? एकदम से अच्छी लगने लग जाती है. सही कह रहा हूं? सो अब इसका सोल्यूशन क्या है? यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, यू ऑलवेज हैव अ स्विच. आपको थोड़ा सा अपना नजरिया, अभी यहां से इस सिचुएशन को देख रहे हो, यहां से जाकर के देखने लग जाओ, एक सेकंड में सब बदल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इसी सिचुएशन की अगर हम बात करें कि भाई हम कभी भी हमारी डेथ हो सकती है, और सिर्फ हमारी नहीं, हमारे जो लव्ड वंस हैं, मान लो हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी भी डेथ हो सकती है. सच है, इसमें गलत क्या है? तो इसका मतलब क्या कि पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ चिपके रहें मरते दम तक? मान लो आप 18 साल की एज के बाद में घर से बाहर निकले, अब ठीक है अपना आगे बढ़ो लाइफ में. जैसे पंछियों के केस में होता है, एक पंछी क्या करता है पता है? कभी देखा है कोई पंछी बैठा है यहां पर? जैसे ही अंडे में से वो निकलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? चूजे. नहीं, चूजे तो मुर्गी के होते हैं, चूजे पंछी के कहां से निकलेंगे? जो भी निकलता है छोटे छोटे किसी पंछी के जब बच्चे निकलते हैं तो वो क्या करती है? फिर उड़ना सिखाती है. क्या वो उसको चिपका लेती है पूरी जिंदगी के लिए कि तू यहीं रहे? तो क्या कभी भी उड़ पाएगी? उसके जो बच्चे हैं वो कभी उड़ पाएंगे? तो क्या करती है? उनको लात मारती है. और कई बार क्या होता है, ऐसे में वो उड़ भी जाते हैं और कई बार नहीं भी उड़ पाते हैं, गिर करके मर जाते हैं, लेकिन वो लात जरूरी है. ऐसे ही लाइफ में अगर हमको कुछ भी करना है, यानी इस लाइफ को एक्सप्लोर करना है. लाइफ मतलब सिर्फ ये नहीं मैं, मेरे माँ बाप, ये नहीं है लाइफ. इसके अलावा भी बहुत कुछ है लाइफ में. तो अगर उस सबको एक्सप्लोर करना है तो जो भी हमारा कंफर्ट जोन है उसको छोड़ना पड़ेगा. दूर दूर रहेंगे लेकिन प्यार बना रहेगा. प्लीज हैव अ सीट, बैठो. आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ. मेरी आदत क्या है, मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो मेरे मतलब जैसे किसी टैक्सी में जा रहा हूँ
तो दोस्त बन जाते हैं। तो एक जगह है जहाँ पर मैं जाता हूँ, बताऊँगा नहीं कहाँ, हिमालय में कहीं पर है, सारे पहुँच जाओगे वहाँ पर। तो वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर है जो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, मतलब बिल्कुल यारी दोस्ती वाला माहौल है, उसको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ क्या हूँ। मैं जब भी वहाँ जाता हूँ उसको फ़ोन करता हूँ, वही मुझे एयरपोर्ट से पिक करता है, वही मुझे वहाँ पे छोड़ता है, और हमारी पूरे रास्ते बातें होती रहती हैं। तो मुझे इतना फैसिनेटिंग लगती है उसकी स्टोरी, मैं आपको बताता हूँ क्या स्टोरी है। देखो सिचुएशन वही है, देखने का नज़रिया थोड़ा सा अलग है। वो बंदा हरियाणा में गाँव से है, लेकिन वो पिछले 8-10 साल से उत्तराखंड में टैक्सी चला रहा है। वहाँ से वो महीने में एक बार 4 दिन के लिए छुट्टी लेता है, फिर वो अपने गाँव जाता है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तेरी वाइफ है, बच्चे हैं, मतलब कैसे रह लेता है तू उनके बिना 25 दिन तक, मतलब ये कोई लाइफ है, तू वहीं पे क्यों नहीं चला लेता टैक्सी। कहता मैंने एक बार ट्राई किया था 1 महीने के लिए, उसके बाद मेरी ऐसी हालत हुई थी घर का मुर्गा दाल बराबर। कहते घर में बैठा रहा वहीं पर आसपास में घूमता रहा। कहते कोई वो ही नहीं थी, कोई मतलब लाइफ बोरिंग सी हो गई थी वहां पर, और बैठे बैठे लड़ाइयां हो रही हैं। कहता अब मैं 4 दिन के लिए जो जाता हूं ना, वो 4 दिन मेरे लिए बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स बताता हूँ, जैसे कोई फेस्टिवल का माहौल है। उसने मेरे को अपनी वीडियोस दिखाई कि कैसे वो बच्चों को ट्यूबवेल पे ले गया और बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। एक सेटिस्फैक्शन देखा मैंने उस बंदे की लाइफ में, वो सेटिस्फैक्शन जो बड़े बड़े करोड़पतियों के अंदर नहीं होता है। क्योंकि हर तरह के लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ लाइफ में, आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरे को हर तरह के लोगों से, मतलब ऐसे लोग जो बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, वो भी मेरे टच में हैं, और ऐसे लोग जो कुछ भी नहीं है वो भी मेरे टच में है। बट इस बंदे के अंदर मैंने वो सेटिस्फैक्शन देखा और वो समझदारी देखी जो रेयर देखने को मिलती है। तो इट इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू। एक नजरिया उसका ये भी हो सकता था कि यार ये भी कोई लाइफ है, मुझे दूर रहना पड़ रहा है, मेरी फैमिली वहां पर है, मैं यहां पर हूं, ये क्या है, बेकार है, मुझे तो अपनी लाइफ ही खत्म कर देनी चाहिए, ये भी एक थॉट हो सकता है ना। बट उसका थॉट क्या है, बिल्कुल ही अलग। तो इट इज जस्ट अबाउट कि आप किस नजर से एक सिचुएशन को देख रहे हो। सारा खेल नजरिए का है, मतलब आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशंस हैं उसका 100% कंट्रोल आपके हाथ में है, अगर आप ये समझ जाओ कि नजरिया आपके हाथ में, और नजरिए के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आप खुश होने वाले या परेशान होने वाले। तो आपकी खुशी 100% आपके हाथ में है, सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसिस, बिकॉज ऑफ सिचुएशन, बहुत सारे हमको काम करने पड़ते हैं, बहुत लोगों से जुड़ जाते हैं, बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमने सोचा ही नहीं होता है, बट ऐसी चीजें हो जाती हैं लाइफ में। तो थॉट का एक एस्पेक्ट है जो हमारे हाथ में नहीं है, और एक एस्पेक्ट है जो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। कौन सा एस्पेक्ट है जो हमारे हाथ में नहीं है? कि जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, ये सच है लाइफ का, बहुत बड़ा सच है। और हम यहीं फंसे पड़े हैं, हम क्या चाहते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो जाए, ये एस्पेक्ट आपके हाथ में नहीं है। बट इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है थॉट का, वो भी थॉट ही है, वो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। वो क्या है? नजरिया। किस नजर से एक सिचुएशन को देखना है वो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। क्या होने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है, क्या हुआ वो हमारे हाथ में नहीं, क्या हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं, नजरिया पूरी तरह से हमारे हाथ में है। और नजरिया चेंज करना कितनी देर का काम है? 1 सेकेंड का बस। ऐसा होता भी होगा एकदम से एक थॉट प्रोसेस में फंसे पड़े हो पिछले कुछ टाइम से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से। कितने हैं जो मेरी वीडियो बहुत टाइम से देख रहे हैं, मतलब पिछले 1 साल से ज़्यादा से देख रहे हैं? तो बताना ऐसा कभी हुआ या नहीं हुआ, एक तरह की थॉट प्रोसेस में फंसे पड़े थे, कई महीनों से एक ही तरह से सोच रहे थे, नज़रिया एक ही तरह का था, जैसे एक वीडियो देखी आपको लगा ये वीडियो तो मेरे लिए ही है। क्योंकि ऐसा नहीं है, वो आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए है, लेकिन आपने अपनी लाइफ से उसको कनेक्ट किया, आपका नज़रिया बदला, तो 1 मिनट में ही या 1 दिन में ही सब कुछ बदल गया, स्टेट ऑफ माइंड पूरी तरह से बदल गया, लाइफ बदल गई। What is life other than state of mind? तो ये आपके हाथ में नहीं है कि आपके माइंड में किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, कैसी फीलिंग्स आ रही है, कैसी इमोशंस आ रहे हैं, दिस इज नॉट इन योर हैंड। वो तो अपने आप ही बदलता रहता है मौसम की तरह, बट नजरिया आपके हाथ में है, समझ गए ना। मौसम आपके हाथ में नहीं है, जैसे बाहर मौसम होता है ऐसे अंदर माइंड का मौसम है। तो योर क्वेश्चन मस्ट नॉट बी कि हमेशा ऐसा ही मौसम कैसे रहे, कि मुझे सर्दियां पसंद है तो अंदर हमेशा सर्दी ही कैसे रहे, वो बेवकूफों वाला सवाल है। जैसे बाहर मौसम बदलता है ऐसे ही अंदर का मौसम बदलता रहता है, दिन में बहुत बार, कभी सुबह एकदम से अच्छा लगने लग जाता है, रात तक एकदम ही बुरा लगने लग जाता है, एक दिन बहुत बढ़िया लगने लग जाता है, अगले दिन बिल्कुल ही बेकार लगने लग जाता है। ये क्या हो रहा है? मौसम बदल रहा है। जैसे बाहर मौसम बदलता है ऐसे ही अंदर मौसम बदल रहा है। तो मौसम आपके हाथ में नहीं है कि बाहर बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है या गर्मी पड़ रही है, लेकिन उस मौसम को आप कैसे देख रहे हो वो किसके हाथ में है।
आपके हाथ में है. इसको नजरिया बोलते हैं.